वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पर फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई के धमाके के बारे में, यानी कि मार्वल की अगली पेशकश स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। यस फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वो फिल्म जिसका इंतजार हर एक मार्वल हर एक एमसीयू फैन कर रहा है, स्पेशली आफ्टर द एवेंजर्स एंड गेम। इसकी एक्साइटमेंट एक ऑल टाइम हाई पे गाइज। एंड गाइज एज यूजुअल हमारा जो हिंदी मीडिया है इसको जरा भी महत्व नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है इनको पता ही नहीं है, स्पेशली यूट्यूब चैनल्स, इनको पता ही नहीं है कि ये फिल्म रिलीज होने वाली 2 दिन के बाद। एंड जब रिलीज होने के बाद इसके कलेक्शंस आएंगे तब सब करेंगे स्पाइडरमैन। लेकिन गाइस अपने उससे को लेना देना नहीं है, मेरा काम है अपने ऑडियंस को बताऊं कि फिल्म बस 2 दिन के बाद आने वाली है। यस फ्रेंड्स, आज ट्यूजडे है, कल का एक दिन छोड़कर फिल्म थर्सडे यानी कि 4 जुलाई को रिलीज होने वाली है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। यस फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इज रिलीजिंग ऑन द 4th of July यानी कि थर्सडे मॉर्निंग शोज एज अर्ली एज 7 AM। यस फ्रेंड्स, केरला में तो फैन शोज रखे गए हैं सुबह 5:30 or 6 सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए। आईमैक्स की जो टिकट्स है यानी कि एडवांस बुकिंग ऑफ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम द आईमैक्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट इन मेनी सिटीज सच एज बेंगलुरु एंड मुंबई। 8-8 के सुबह के शोज फुल हो गए। चलिए आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा इस फिल्म का रन टाइम, तो कितने स्क्रीन्स मिलेंगे, कितने फॉर्मेट्स में रिलीज होगी, कितने लैंग्वेजेस में रिलीज होगी और इसका बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन यानी कि पहले दिन कितना कमाएगी अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन काउंट और इसका जो पहला 4 दिनों का वीकेंड होगा। यस फ्रेंड्स, द वीकेंड ऑफ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम विल बी अ 4-day वीकेंड, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 4 दिन में ये फिल्म इंडिया में कितना कमा सकती है, कबीर सिंह पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। चलेगा आज का एपिसोड शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। पर फिर आज का एपिसोड शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जो ऑफिशियल रन टाइम है इंडिया में वो है 2 घंटा 9 मिनट। यस फ्रेंड्स, 2 hours 9 minutes इज व्हाट द ऑफिशियल रन टाइम ऑफ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इज। इट्स गोइंग रिलीज इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु। 4 languages कंफर्म हो चुके हैं, इनकी बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है इनके रिस्पेक्टिव सिटीज में। ये फिल्म 4DX में आएगी, 2D में, 2D तमिल, 2D हिंदी, 2D तेलुगु, 2D इंग्लिश, 4 languages में 2D में आएगी। MX4D, यस फ्रेंड्स, MX4D में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन लगेगा, 4DX 3D में भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन लगेगा। ओके, सो इन लैंग्वेजेस में ये वर्जन्स नहीं होंगे। 3D में ये फिल्म सब लैंग्वेजेस में आएगी। IMAX 3D विल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। IMAX 2D का भी बंदोबस्त किया गया है आप सभी लोगों के लिए। गाइस, तो सारे फॉर्मेट्स में आ रही है फिल्म, जो फॉर्मेट मन करे उसमें देखो। हिंदी नहीं पसंद आता इंग्लिश में देखो, इंग्लिश नहीं पसंद तमिल में देखो, लेकिन फिल्म देखना है प्लीज। फिल्म को पायरेसी करके मत डाउनलोड करना। एंड आई नो जितने मार्वल के फैंस है उनके सामने तुम लोग फिल्म को पेनड्राइव में लाके भी दे दोगे, हार्ड डिस्क भी दे दोगे तो लोग नहीं देखेंगे, दे विल गो इन द थिएटर्स। द फीलिंग of the MCU fans, you know, is absolutely emotional towards these kind of movies. और ये कभी वो उनसे छीन नहीं पाएंगे जितने भी पायरेट्स है। सो गाइज, रन टाइम बता दिया, फॉर्मेट्स बता दिया, 2000 के ऊपर स्क्रीन्स लेके जाने वाला है। मैंने आपको कल ही बताया था कि एग्जीबिटर्स की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां पर एग्जीबिटर्स को कबीर सिंह हम थिएटर से नहीं निकालने, लेकिन कल काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद एडवांस बुकिंग है, आज सुबह से देखो फुल फोर्स में खुली है। एंड गाइज, इसको कबीर सिंह का यू नो जो इफेक्ट वो नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि फिल्म आईमैक्स रिलीज है, कबीर सिंह आईमैक्स में नहीं लगी है, ये फिल्म 3D है, कबीर सिंह 3D में है नहीं, MX 4D। तो ये सारे कारण के वश यू नो ना कबीर सिंह को इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना इसका इफेक्ट कबीर सिंह के ऊपर पड़ेगा। तो दोनों फिल्में अपनी अपनी कमाई करती रहेगी और इसे 2000 के ऊपर के स्क्रीन्स मिलना ही मिलना है। फाइनल स्क्रीन काउंट मैं आपको जब मेरे फिल्म का रिव्यू आएगा थर्सडे सुबह या फिर उससे पहले मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब गाइस बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म की एडवांस बुकिंग जिस तरह से शुरू हुई है इट इज एब्सोल्युटली क्रैकर। ये फिल्म डबल डिजिट्स में ओपन होगी ये तो गारंटी है। कहीं ना कहीं फर्स्ट डे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम यानी कि थर्सडे जो कि नॉन हॉलीडे है उसका ओपनिंग डे कहीं ना कहीं 14 से लेकर 15 करोड़ होगा। यस फ्रेंड्स, 14 to 15 करोड़। और कहीं ना कहीं ये जो 4 दिन का वीकेंड है ये लगभग 60 to 62 करोड़ रुपीज का ये अपना वीकेंड समाप्त करेगी। और अगर इंडिया में इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं देन गाइज द 100 करोड़ विल बी अ केक वॉक इन इट्स 1 week फॉर दिस फिल्म। बहुत डिपेंड करता है हिंदी ऑडियंस को फिल्म कैसी लगती है, क्योंकि गाइज यूजुअली आजकल बहुत ऐसा देखने मिल रहा है कि यूएस में क्रैकिंग रिव्यूज, फिल्म कम्स हियर एंड द फिल्म फॉल्स फ्लैट।
लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इज अ डिफरेंट मूवी, इसके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। मार्वल की फिल्में चलेगी चलेगी, एंड इंडिया में इसकी जो अप्रिसिएशन है वो बहुत ही वाइड अप्रिसिएशन मिलेगा इसको। सो गाइस मेरा पहले दिन का प्रेडिक्शन 14 से 15 करोड़ है, और 4 दिन का जो वीकेंड है उसका प्रेडिक्शन 60 से 62 करोड़ है। मैं चाहता हूँ ये प्रेडिक्शन गलत निकले और ये फिल्म जल्द से जल्द 100 करोड़ कमाए और उससे ऊपर कमाए एट द बॉक्स ऑफिस। ऑब्वियसली जो नई फिल्में आने वाली है जैसे कि मलाल आने वाली है, उनके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। आर्टिकल 15 और कबीर सिंह विल आल्सो हैव टू फाइट इट आउट, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जो कंपटीशन है वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जॉनर अलग है, इसकी ऑडियंस अलग है, और इसके जो फॉर्मेट्स है वही अलग है। सो ये फिल्म एक कंप्लीट विनर है इंडियन बॉक्स ऑफिस में। बस थर्सडे इंतजार कीजिए, मैं थर्सडे मॉर्निंग एज फास्ट एज पॉसिबल देखने की कोशिश करूंगा और आपके सामने हिंदी में इसका रिव्यू जरूर लाऊंगा। ओके गाइस, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो। एपिसोड पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, बुक योर टिकट्स नाउ।